स्टील इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर आयरन ओर यानी लौह अयस्क की जरूरत होती है। देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क प्रोड्यूसर NMDC ने भी रेट बढ़ा दिया है। उसने दो बार कीमत में बढ़ोतरी की है। वर्तमान में आयरन ओर की कीमत 10,000 रुपए प्रति टन के करीब है। लौह अयस्क के महंगा होने के कारण स्पंज आयरन और पिग आयरन में भी उछाल आया है। एनर्जी की बढ़ती कीमत के कारण इनके दाम बढ़े हैं। इससे स्टील का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। घरेलू स्टील मैन्युफैक्चरर्स ने हॉट रोल्ड कॉइल HRC और TMT सरिये का दाम 5,000 रुपए प्रति टन तक बढ़ा दिया है। आने वाले हफ्तों में रूस यूक्रेन के बीच सैन्य संघर्ष गहराने के साथ इसकी कीमत में और वृद्धि होने के आसार हैं। शुक्रवार को कीमतों में बदलाव के बाद HRC का भाव 66,000 रुपए प्रति टन पर पहुंच गया। इसी तरह TMT की कीमत लगभग 65,000 रुपए प्रति टन हो गई। एक इस्पात कंपनी के अधिकारी का कहना है कि इस्पात की कीमतों में कुछ हफ्ते पहले की तुलना में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।